नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। क्या बाराबंकी में एक हिंदू मंदिर के सामने मुस्लिम युवकों ने मांस पकाया और शराब पी? दरअसल इस महिला का नाम ज्योति सिंह है, जो खुद को साध्वी भी बताती है। एक फेसबुक लाइव वीडियो में उन्होंने ऐसे ही दावों को दोहराया है। मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट को अपलोड किया था, जिसपे देवा मेले के दौरान कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आकर के हमारे मंदिर के पास भैंसे का मीट और मुर्गे का और अन्य जानवरों का मांस पका रहे थे। उनकी वीडियो बना करके मैंने 112 पे उसकी सूचना दे दी थी और थाना महोदय को उसको लेकर के उस वीडियो के उपरांत में मैंने उनको अवगत कराया था। और थाना महोदय और 112 की पुलिस ने आकर के तुरंत इन पे कार्रवाई करते हुए इनको यहाँ से मेरे मंदिर के सामने से भगा दिया गया था। और उसी चीज की रंजिश को रखते हुए इन लोगों ने आज मेरे मंदिर पे आए। मंदिर पे आकर चार पांच लोग मेरे मंदिर पे आए, जिनका पहला नाम मुजीब, दूसरा नाम पिल्लू, तीसरा नाम जुनेद और उनके साथ दो तीन और अज्ञात लोग थे, जो मेरे मंदिर पर आकर के इन लोगों ने मुझ पे तेजधार हथियारों से हमला किया, जिसके निशान ये सब मौजूद हैं। हालांकि मामले के बारे में छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि वायरल दावे पूरी तरह से भ्रामक है। घटना के बारे में छपी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ज्योति सिंह के फयाज नामक एक युवक के साथ अच्छे संबंध थे और फयाज को अपने इलाके में रहने वाले मुजीब, पिल्लू और जुनेद से विवाद चल रहा था। इसी के चलते ज्योति और फयाज दोनों जुनेद के घर पर गए थे, जहां पर उनके बीच बहस हुई और मारपीट भी। इस मामले में बाराबंकी अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने ये कहा। दिनांक 11/11/2024 को थाना देवा पर एक वादनी द्वारा यह तहरीर दिया गया कि उसके साथ मोहम्मद जुनेद, मुजीब एवं तीन अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ मारपीट किया गया है और उसके वस्त्र वगैरह फाड़ दिए गए। इस संबंध में थाना देवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और त्वरित गति से विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। विवेचना के प्रारंभिक चरण में ही यह ज्ञात हुआ कि वादनी का फैयाज नामक युवक के साथ अच्छे एवं मित्रवत संबंध है। फैयाज का जुनैद, मुजीब एवं पिल्लू से कुछ किसी बात को लेकर वाद विवाद था, जिसको लेकर दिनांक 11/11/2024 को वादनी एवं फैयाज जुनैद के घर पर गए और वहीं पर जुनैद की पत्नी के साथ उनका वाद विवाद हो गया, क्योंकि जब उन्होंने पूछा वादनी एवं फैयाज ने कि जुनैद और उसके जो साथी कहाँ हैं, तो वादनी ने इस पर अनभिज्ञता जाहिर की। इसी दौरान अपनी पत्नी के समर्थन में जुनैद भी बाहर आ गए और उनके दो अन्य साथी भी वहां आ गए, जिसमें कि मुजीब एवं पिल्लू भी थे। उन्होंने वादनी के साथ मारपीट किया, वाद विवाद हुआ और इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जहां तक वादनी के घर में घुसकर मारपीट करने, मंदिर में शराब पीने और मांस फेंकने की बात है, यह बात आरंभिक चरण में ही असत्य पाई गई है। यानी आपसी झगड़े के बाद चोटिल हुई महिला साध्वी ज्योति ने सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को गलत सांप्रदायिक एंगल दिया, जिसे कई लोगों सहित मीडिया संगठनों ने आगे बढ़ाया।